वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आज चलिए एक मल्टी लेयर नेकलेस बनाते हैं विद क्रिस्टल बीड्स। और ये मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे बनाएंगे मल्टी लेयर नेकलेस। तो उसके लिए हमें चाहिए क्रिस्टल बीड्स, एक कनेक्टर। मैं 3 लाइन्स का मल्टी लेयर नेकलेस बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए 3 होल्स का कनेक्टर लेके आई हूँ और कुछ चार्म्स है, स्मॉल चार्म्स आप जैसे देख सकते हैं। और ये क्रिस्टल बीड्स 4 mm का है और क्रीम बीड्स 1 डोरी जिसको हम लोग अटैच करेंगे नेकलेस में, और प्लायर्स, कटर, एक रूलर स्केल, और टाइगर टेल। और जंप रिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग को जितना लेंथ का ज़रूरत है उतना मेजर करके हम लोग को टाइगर टेल कट करना है। मैं थोड़ा लंबा नेकलेस बना रही हूँ, तो थोड़ा लंबा ले रही हूँ टाइगर टेल। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से टाइगर टेल लीजिए। 3 लाइन से तो 3 टाइगर टेल मैं कट करूँगी और ग्रेजुअली स्मॉल टू थोड़ा, पहले छोटा होगा फिर थोड़ा बड़ा फिर उससे थोड़ा बड़ा, तो उस हिसाब से थोड़ा लेंथ कम से ज़्यादा करके 3 लाइन्स का ले लीजिए टाइगर टेल। फिर हम लोग को स्टार्ट करना है कनेक्टर से अटैच करके। तो मैं अभी जो लास्ट लाइन है, जो नीचे रहेगा लाइंस, उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं क्रीम बीड के साथ, क्रीम बीड को यूज़ करके टाइगर टेल को अटैच करूँगी कनेक्टर के साथ। तो जो लाइन आप करना चाहते हैं उस होल में कनेक्टर का, उसी होल में टाइगर टेल को अटैच कीजिए। तो मैं सबसे लास्ट लाइन पहले स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं लास्ट कनेक्टर में अटैच कर रही हूँ। तो ये हो गया, क्रीम बीड अटैच हो गया। फिर हम लोग इसमें अभी बीडिंग स्टार्ट करेंगे। दो कलर के मैं क्रिस्टल बीड्स ली हूँ, थोड़ा लाइट ब्लू और एक डार्क ब्लू है। ये मैं एक मेरी साड़ी के मैचिंग के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं क्रिस्टल बीड्स ली हूँ। कनेक्टर डिफरेंट होल्स का मिलता है, जितना लेयर्स का आप बनाएंगे उस हिसाब से कनेक्टर आपको लेना होगा। 3 लाइन्स का 3 होल्स है, 5 लाइन्स है, तो मोर देन दैट ऑल्सो देयर। तो वैसे ही आप कनेक्टर लीजिए जितना आपको लाइन्स रखना है मल्टी लेयर नेकलेस में। तो वैसे करके हम लोग को लाइट ब्लू बीडिंग करना है, सारे बीड्स को डालना है टाइगर टेल में। ये देखिए हो गया। उसके बाद मैं डार्क ब्लू यूज़ करूँगी और डार्क ब्लू के लिए पहले मैं लाइट ब्लू का लेंथ मेज़र कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट फिर से मुझे लाइट ब्लू लगाना है, तो कितना लेंथ का है उस हिसाब से फिर से नेक्स्ट साइड में वैसे ही लगाएंगे। तो अभी ये डार्क ब्लू के साथ ये छोटे छोटे गोल्डन चार्म्स में यूज करूँगी। ये बहुत सुंदर चार्म्स है, बहुत क्यूट है। तो ये डार्क ब्लू एक और एक चार्म में यूज करूँगी।
जितना तक मुझे चाहिए या आपको जितना तक चाहिए वैसे ही कीजिए, वैसे ही डिज़ाइन वाला। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, डार्क ब्लू और स्मॉल चार्म से। आप भी अपना ड्रेस या साड़ी के मैचिंग में बना सकते हैं। फिर से मैं लाइट ब्लू उतना ही लेंथ का लूँगी जितना लेंथ फर्स्ट ली थी। फिर से लाइट ब्लू लूँगी, और लाइट ब्लू करने के बाद हम लोग को फिर से दूसरे कनेक्टर के साथ उसको अटैच करना है। तो वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, कनेक्टर को लेफ्ट राइट करके प्लेस कीजिए जैसे गले में रहेगा। उसके बाद ही आपको प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर होल का अंदाज होगा कहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये मेरी लास्ट लाइन है। तो पहले मैं गले में जैसे रहेगा वैसे ही रखूँगी वो लाइन्स को, बीडिंग लाइन्स को, फिर उसके बाद उसको अटैच करूँगी। देखिए लेफ्ट एंड राइट करके मैं रख रही हूँ, दो कनेक्टर है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। तो उस हिसाब से पता चलेगा उसका लास्ट और इसका लास्ट, मतलब लेफ्ट साइड का लास्ट में स्टार्ट हुआ है तो राइट का भी लास्ट में अटैच होगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। फिर वहाँ मिडिल से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आके मिडिल में अटैच करेंगे। हमेशा जब भी बीडिंग करेंगे आप राउंड शेप में, हाफ सर्कल में उसको रखिए, जैसे गले में डालने के बाद रहता है, नहीं तो लेंथ का प्रॉपर अंदाज नहीं लगता है। प्रॉपरली लेंथ को अगर रखना है, लाइन को प्रॉपरली अलाइन करके रखना है, तो आपको गले में जैसे डालना है वैसे ही करके बीडिंग करना है। जब भी हम लोग नेकलेस बनाते हैं और उसमें कुछ इस टाइप का जैसे चार्म्स हैंग है या कुछ भी चीज़ हैंगिंग वाला है, थोड़ा नेकलेस को आपको लूजली लूज छोड़ के क्रिम्प करना होगा। एकदम टाइट आप क्रिम्प नहीं करेंगे, टाइट क्रिम्प करने से जो हैंगिंग वाला चीज़ है वो प्रॉपरली हैंग नहीं होगा। ये जो छोटे छोटे चीज़ है थोड़ा प्रॉपरली स्लाइड, जैसे हैंगिंग होगा ऊपर नीचे हिल सकता है अपने आप, वैसे ही रखने के लिए थोड़ा आपको लूज रखना है। देखिए लेफ्ट का लास्ट और राइट का लास्ट। अगेन मैं अभी मिडिल से स्टार्ट करूँगी, फिर से क्रिम बीड लेके अटैच करना है टाइगर टेल को, और मिडिल पार्ट में मिडिल वाला होल से स्टार्ट कर रही हूँ। फिर राइट हैंड साइड का जो कनेक्टर है उसका भी मिडिल होल में आके हम लोग को एंड करना है। और हमेशा गले के जैसे डाला जाता है उस हिसाब से, जैसे मैं आपको, आप जैसे देख सकते हैं वैसे ही मैं रख के। बीडिंग करूंगी, प्रॉपर लेंथ का अंदाज लगेगा उसमें। आप सीधा सीधा रखेंगे तो प्रॉपरली नहीं होगा। ये मल्टी लेयर का ये चीज़ में ध्यान आपको रखना है। फिर डार्क ब्लू के जगह डार्क ब्लू बीड्स में डाल रही हूँ, बट अभी मैं उसमें चार्म्स नहीं डालूंगी, प्लेन बीड्स डालूंगी। सिंपल सा नेकलेस है बट बनने के बाद बहुत गॉर्जियस दिखेगा। देखिए ये लाइन ख़त्म हुआ। अभी हम लोग को कहाँ पे अटैच करना है आपको समझ में आ रहा होगा, मिडिल से स्टार्ट हुआ था, मिडिल पे अटैच करना है। ऐसे ही करके हम लोग लास्ट लाइन भी करेंगे जो कि टॉप पे रहेगा। एक टॉप, एक मिडिल, एक बॉटम। तो अभी बॉटम वाला हो गया, मिडिल हो गया, देन अभी टॉप वाला करना है। सेम प्रोसेस है, वैसे ही गले में जैसे रहता है वैसे ही थोड़ा कर्व जैसा घुमा के रख के हम लोग को
करना है। सेम डिजाइन रिपीट करना है, पहले लाइट ब्लू देन डार्क ब्लू। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कीजिए, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। ये कंप्लीट हो गया, देखिए टॉप लाइन। अभी हम लोग को क्या करना है, डोरी के साथ इसको अटैच करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कनेक्टर का ऊपर में एक ही लूप है, नीचे थ्री लूप्स था, थ्री होल्स था, अभी ऊपर में एक ही लूप है। सिंपल जंप रिंग से उसको अटैच करना है, इसके लूप और डोरी के लूप को डाल फंसा के जंप रिंग को क्लोज करना है। Thank you friends for watching my video. Have a good day. Bye bye.